सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलिफेंट राजपुरा। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आप देख पा रहे हो, मैं अभी हूँ अमृतसर रेलवे स्टेशन के ऊपर और सामने देख रहे हैं एक नई ब्रांड न्यू वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाई जा रही है। ये है हमारी अमृतसर और दिल्ली इनॉग्रल स्पेशल वंदे भारत। इसका जो इनॉग्रल का नंबर है वो है 02487 एंड इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि ये है हमारी पंजाब की पहली अपनी वंदे भारत है। इसकी काफ़ी टाइम से डिमांड चल रही थी और काफ़ी टाइम से इसके प्रपोजल दिए जा रहे थे, लेकिन फाइनली इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करके अब इसको चलाया जा रहा है एंड आज हम इसमें जर्नी करेंगे दिल्ली तक एंड आपको बताते हैं इसमें जो फीचर्स हैं, जो इसका इंटीरियर है वो कैसा है। एंड चलिए वंदे भारत को लगा रहे हैं एक नंबर पे, उसके बाद हम चलेंगे इसके अंदर, आपको दिखाएंगे इसका अंदर का इंटीरियर। ये जो वंदे भारत है ये 8 कोचेस की वंदे भारत है। इसमें 8 कार्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव क्लासेस है और बाकी चेयर कार्स वगैरह हैं। एंड ये है मेरा पास जिससे मैं इसमें अमृतसर से और दिल्ली तक ट्रैवल कर सकता हूँ। सो फाइनली वंदे भारत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, अब चलते हैं हम अंदर, आपको दिखाते हैं इसका जो इंटीरियर है। आप देख सकते हो इसमें रेड कलर की जो चेयर्स हैं वो लगाई गई हैं इसके अंदर एंड एक साइड 3 चेयर्स हैं और एक साइड 2 चेयर्स हैं और यहाँ पे स्क्रीन्स वगैरह LED वगैरह से लगाई गई हैं कि आपको पता लगे कि कौन सा नेक्स्ट स्टॉप है, इस ट्रेन की स्पीड क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रे वगैरह दी गई है एंड मिस्टर अनूप सर जा रहे हैं बाहर को स्क्रीन पे फोकस करते हैं यहाँ पे कब गेट ओपन क्लोज होंगे और कैसे आप यहाँ से लाइट वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हो, चार्जर वगैरह लगा सकते हो, सारी सुविधा आपको इसके अंदर मिलती हैं। और अभी आपको फ्रंट से दिखाते हैं कैसी है हमारी अमृतसर दिल्ली वंदे भारत। बिल्कुल ब्रांड न्यू वंदे भारत है ये। सो अभी है हमारा डिपार्चर करने का टाइम अमृतसर रेलवे स्टेशन से। सो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम कर रहे हैं अब डिपार्चर। एंजॉय कीजिए डिपार्चर गाइस। देख सकते हो गाइस, पंजाब के लोगों में एक अलग ही खुशी की लहर है क्योंकि ये पंजाब की पहली अपनी वंदे भारत है और लोग बहुत खुश हैं। आप देख सकते हो बाहर हर एक पर्सन इस ट्रेन की जो वीडियो है वो बना रहा है, इस ट्रेन को कैप्चर कर रहा है। माता जी खड़े हैं ब्लैक कलर का। उधर भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सारे यूट्यूबर लगे हैं कैमरे पीछे की ओर करके वीडियो बनाने। भैया आप बताओ, तो भी बताओ यार, आपने सारे रेल फैन जो भी है ना, देख सकते हैं अभी स्टेशन के ऊपर लगे हैं अपने फुटेज को कैसे चलो जी सफर पूरा हो गया, चलते उतरो अपनी गाड़ी। कोई चंदे भाई सामने खड़ी है।
थोड़ी देर बाद कैंट पहुंच जाएगी सारे वीडियो बना रहे देख उधर देख। लीजिए एक और ट्रेन आ चुकी है हमारे स्वागत में। तो ये है चंडीगढ़ से अमृतसर आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये हमारी ट्रेन का स्वागत कर रही है और यहाँ पे अराइव हो रही है। और इस ट्रेन का जो रेक शेयर है वो है अमृतसर से नगर डैम जाने वाली इंटरसिटी के साथ। खाते निकल के दिख रहा तो जब आप वंदे भारत में बैठते हो सबसे पहले आपको एक पानी की बोतल दी जाती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको चाय और बिस्किट्स वगैरह सर्व किए जाते हैं। तो आप सामने देख सकते हो हमें चाय और बिस्किट्स वगैरह सर्व किए जा रहे हैं। माय नेम इज खान एंड सो ये है हमारे बिस्किट और चाय की चॉकलेट कितनी आ रही है 5 स्टार। अभी हमारी चाय वगैरह आ चुकी है। सो गाइज अभी हम लोग अराइव कर रहे हैं व्यास रेलवे स्टेशन के ऊपर। यहाँ पे भी फंक्शन था और ये इसका कमर्शियल जो स्टॉप है यहाँ पे व्यास दिया गया है। वो देखो तुम्हें बच्चे बना रहे हैं, क्या भाई यूथ बना रहा है वीडियो। आप बाहर का व्यू देख ही पा रहे हो लोग कितनी ज़्यादा खुश है। हर एक बंदा वंदे भारत को कैप्चर करने के लिए देखने के लिए तरस रहा है। यहाँ से हमारे साथ स्कूल के बच्चे भी ट्रैवल करेंगे जलंधर कैंट तक। सो अभी डिपार्चर टाइम व्यास रेलवे स्टेशन से। तो अभी आपको दिखाते हैं व्यास दरिया, व्यास नदी जो कि बहुत ही पॉपुलर है। पंजाब में पहले 5 दरिया थी बट अभी 3 ही है, जिनमें से एक व्यास भी है और दूसरी सतलुज और रावी है। आपकी सुविधा के लिए जय विलास कोच में सीट के पीछे
और एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में आप सीट के नीचे चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं। आप इनका उपयोग अपने उपकरणों जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि को चार्ज करने के लिए कर सकते हैं। फॉर योर कन्वीनियंस सो अभी हम लोग क्रॉस करेंगे जलंधर सिटी को। ये जलंधर सिटी की पहली ऐसी ट्रेन है जो जलंधर सिटी ना रुक कर जलंधर कैंट जंक्शन पे रुकेगी। ये बहुत ही सोचने वाली बात है, बट चलो। यहाँ से जो लाइंस निकलती हैं, एक जम्मू पठानकोट के लिए निकलती है, एक अमृतसर के लिए निकलती है और एक लुधियाना के लिए निकलती है। यहाँ से लाइन मतलब लुधियाना वाली लाइन है, वो पहले जलंधर के अंदर जाती है, फिर वहाँ से लुधियाना जाती है। एंड साइड में देख सकते हैं फॉर्चून वेब 7 के साथ छत्तीसगढ़ बिलासपुर अमृतसर जो ट्रेन है वो खड़ी हुई है हमारे वंदे भारत के स्वागत के लिए। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को हमारी 02487 अमृतसर दिल्ली वंदे भारत ओवरटेक करती हूँ, क्रॉस करती हूँ। जल्दी जाते स्टेशन स्किप के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे लुधियाना की ओरिजिनल लीवरी जो ऑरेंज ग्रे एल्को है वो हमें यहाँ पे मिला है। एंड साथ में एक इसका वेब 7 भी खड़ा है गाजियाबाद का, और ये आर यू स्किप के बाद तो यहाँ से जो लाइन है जम्मू पठानकोट के लिए निकल जाती है, जो जलंधर कैंट से लाइन निकलती है जम्मू के लिए वैष्णो देवी के लिए, ये उसके साथ जाके आगे जुड़ जाती है, एक बाईपास लाइन है जो जलंधर कैंट से अटैच हो जाता है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं जलंधर कैंट के आउटर पे। ये सामने देख सकते हो डबल लाइन आ रही है, ये वैष्णो देवी वाली लाइन है, पठानकोट वाली लाइन। अभी हम इसको ज्वाइन करेंगे और अराइव करेंगे जलंधर कैंट, और उससे पहले हमें जो हमारी मील्स वगैरह हैं वो दी गई है, मील्स चेक कर सकते हो गाइस क्या क्या मिला है। पैसा भी अच्छी क्वालिटी का है। एंड नाउ अभी हम अराइव हो रहे हैं जलंधर कैंट जंक्शन पे। साइड में एक और ट्रेन पूजा एक्सप्रेस जो है खड़ी हुई है। और देख कितना लंक के बनाया था, आज इसका गेट खुला होना फोन चल। तो देख सकते हो यहाँ पे भी फुल क्राउड है स्टेशन के ऊपर, लोग वंदे भारत के स्वागत के लिए कितने जोर शोर से यहाँ पे तैयारी कर रखे हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह भी हुई थी बच्चों की, और यहाँ से भी यहाँ से जो बच्चे चढ़े थे व्यास थे वो यहाँ से उतर जाएंगे, और यहाँ से और बच्चे हमारे साथ लुधियाना तक जाएंगे। आप देख पा रहे हैं बच्चे आ चुके हैं, ये हमारे साथ लुधियाना तक जाएंगे एंड ये भी एक्सपीरियंस करेंगे वंदे भारत को। अभी इसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि अमृतसर लुधियाना जो सेक्शन है वो अभी 110 है, बट जो असली मज़ा आएगा वो आएगा लुधियाना अंबाला दिल्ली सेक्शन के ऊपर, क्योंकि वो पूरा 130 है। सो अभी
डिपार्चर टाइम आप देख सकते हो, इसकी एक्सेलरेशन इतनी कमाल है, ये विद इन अ फ्यू सेकंड ही 110 की स्पीड पकड़ लेती है। Guys, close your eyes. Let me tell you. So, अभी हम arrive कर रहे हैं फगवाड़ा रेलवे स्टेशन के ऊपर। यहाँ पे स्टेशन अभी चल रहा है एंड आप उस साइड देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है हमारी 11058 अमृतसर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई दादर एक्सप्रेस, जिसको साइड में लगा के पहले वंदे भारत को निकाला जाएगा, बट आगे जाके देखते हैं कि क्या बनता है वंदे भारत के साथ। सो अभी है हमारा फगवाड़ा से डिपार्चर टाइम और देख ही पा रहे हो आप 3 नंबर पे अभी भी खड़ी है हमारी 11058 अमृतसर CSMT मुंबई दादर एक्सप्रेस, उसको हम ओवरटेक करते हुए जा रहे हैं। बट ये सिर्फ ट्रेलर है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है। आगे देखिए अब हमारी वंदे भारत के साथ क्या होगा, क्या दादर अपना बदला ले पाएगी, चलिए देखते हैं आगे जाके। दादर यहाँ पे काला कर दे हमारे ग्राउंड से, सो अभी हमें गुराया में लाइन पर रोक दिया गया है। सो अभी हम देख पा रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 11058 अमृतसर CSMT मुंबई दादर एक्सप्रेस को निकाल दिया गया है गाइस। पहली बार वंदे भारत को पड़ा है इतना गंदे वाला ओवरटेक गाइस, वो भी ICF ट्रेन से इतने गंदे वाला ओवरटेक है गाइस। दादर ने अपना बदला ले लिया है यहाँ पे एंड आप देख ही पा रहे हो। मतलब एक मेल एक्सप्रेस ने जिसके इतने ज़्यादा स्टॉप है उसने वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेन को ओवरटेक कर दिया गाइस। ये वंदे भारत की सबसे तगड़ी वाली बेइज्जती है, बट चलो कोई बात नहीं, दादर ने अपना बदला लेना ही था। और दूसरी तरफ से हम वेट कर रहे थे कि बांद्रा टर्मिनल्स श्री वैष्णो देवी कटरा स्वराज एक्सप्रेस आ रही थी, इसका तो अनएक्सपेक्टेड था कि ये ओवरटेक करेगी, बट अभी स्वराज को एंजॉय कीजिए। ये फिलोरवा कहाँ है? आगे आगे तो बात बोल खड़ी है कि नहीं? भैया खड़ी
दो तो ना कट देने कहाँ पे है कहाँ पे आते कोई और ही दादर खड़ी है हमें लगा था हमारे यहाँ पे अराइवल है फ्लोर पे, फ्लोर रेलवे स्टेशन पे, हमें था कि यहाँ पे 1058 खड़ी होगी और उसे हम फिर से ओवरटेक करेंगे, लेकिन नहीं, सब वो पहले ही चली गई थी यहाँ से रेलवे स्टेशन से एंड लुधियाना जाके वो हमसे पहले अराइव हो चुकी थी। सो दादर ने तो हमें दे दिया है चकमा, वो तो चली गई लुधियाना हमसे पहले। सो हमें लुधियाना पहुंचने के लिए सबसे पहले सतलुज को क्रॉस करना पड़ेगा और हम अभी क्रॉस कर रहे हैं सतलुज दरिया को एंड इसके बाद हम पहुंचेंगे लुधियाना स्टेशन पे। बट उससे पहले हम आपको एक क्रॉसिंग दे देते हैं 12029 न्यू दिल्ली अमृतसर स्वर्ण जयंती शताब्दी। गाइस क्रॉसिंग एंजॉय कीजिए। अभी खुलेंगे इसके दरवाजे क्योंकि हम अराइव हो चुके हैं लुधियाना के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। डोर्स नाउ ओपन। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे पूरी चहल पहल है, यहाँ पे मोदी जी के नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे फुल क्राउड है, यहाँ पे लोगों में पूरी खुशी की लहर है। स्टेशन के ऊपर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, और पंजाब में वंदे भारत का इतना ज़्यादा क्राउड आप देख ही पा रहे हो, इसका मतलब कि जल्दी से जल्दी एक और वंदे भारत पंजाब को मिल सकती है, इसके यही चांसेस लग रहे हैं। देखिए सभी हमारे इन्फ्लुएंसर्स कैप्चर कर रहे हैं एंड अभी डिपार्चर टाइम है, अभी हम एंजॉय करेंगे 130 वाला सेक्शन। देखिए गाइस कितना ज़्यादा क्राउड है स्टेशन के ऊपर, ऐसे लग रहा है जैसे पंजाब में एक नई गाड़ी आई है। इससे पता लगता है कि पंजाब को कितनी जो वंदे भारत है वो कितनी लेट मिली है, इससे पहले हमें मिल जानी चाहिए थी वंदे भारत। हर बहर पिकअप देखिए, पिकअप प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मतलब वंदे भारत अपनी पिकअप ले लेती है, मतलब मानना पड़ेगा। अब वंदे भारत चेक किया अपना पूरा काम एंड अभी उसकी स्पीड चेक कीजिए, 130 वाला सेक्शन आ चुका है, 122 123 गाइस, 127 128 और गाइस ये हमारी वंदे भारत ने किया पूरा 129 किलोमीटर। गाइस हमारी वंदे भारत अभी इस टाइम पूरे 130 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, गाइस आप चेक कर सकते हो, और 130 पे बिल्कुल स्मूथ है गाइस, जैसा मतलब हम देखते हैं कि 130 पे लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं पानी का कप रख के, बिल्कुल ही स्मूथ है ये, बिल्कुल ही स्मूथ है। लुधियाना के बाद हम फर्स्ट स्टेशन स्किप कर रहे हैं वो है सरहंद स्टेशन को। वैसे इस स्टेशन पे भी डिमांड है इस ट्रेन की कि हाँ भाई इसको स्टॉप मिलना चाहिए, बट इन फ्यूचर देखते हैं कि इसका स्टॉप होगा कि नहीं होगा। क्रॉसिंग स्किप सरहंद जंक्शन, 55 किलोमीटर की स्पीड ना सरहंद स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, एंड इधर भी ट्रेन खड़ी है कोई। अभी आप एंजॉय करेंगे कैब राइड, स्पीड च मार खा गई। अरे कौन सा ओटी हुआ, अभी आप लाइव जो इसकी एक्सेलरेशन है यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो उसका ऑडोमीटर है वहाँ से।
क्या गजब की एक्सप्रेशन है गाइस इसकी, क्या गजब की एक्सप्रेशन है, मज़ा आ गया। और हमारे जो सभी रेल फैन दोस्त हैं वो भी इस चीज़ को कैप्चर कर रहे थे हमारे साथ। अभी हम क्रॉस करेंगे साधुगढ़ रेलवे स्टेशन को 130 के ऊपर, आप देख सकते हो स्पीड। Thank you.
अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सरायबंद जाना रेलवे स्टेशन गाइस, फ्लैट 130 किलोमीटर प्रति आवर। हमारे सारे रेल प्रेम के हैं पंजाब रेल अपडेट्स हमारे साथ कर रहे हैं। सो अभी फाइनली आने वाला है राजपुरा, तो ये कहते रहे इसे स्पीड कट होगी 110। गाइस तो फाइनली आ चुका है राजपुरा रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हो अभी भी जो ट्रेन की स्पीड है वो 130 है और राजपुरा जो स्किपिंग स्पीड है वो है 110। सो देखते हैं कि 130 पूरा स्किप करेगी या फिर 110 पे आएगी। एंड आप देख सकते हो कि राजपुरा रेलवे स्टेशन आ चुका है गाइस। आप देख पा रहे हो गाइस इसकी स्पीड कम की जा रही है, इसको 110 पे लाया जा रहा है क्योंकि आगे S-curve है तो उसके लिए इसको 110 चाहिए। एंड आप देख पाए हो विद इन फ्यू सेकंड ही 110 पे आ गई है गाइस। एक्सीडेंट
अगर स्टेशन के बाद कुछ देखने की चीज़ है तो ये है DFC कर्व, जो कि DFC कॉरिडोर से फ्राइट्स के लिए बनाया गया है। ये कर्व है, आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा व्यू है, ये रेल फैनिंग पॉइंट है बहुत अच्छा। देखिएगा इस कितना प्यारा व्यू है ये। एंड अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं अंबाला रेलवे स्टेशन पे, अंबाला जंक्शन पे, और यहाँ से जो लाइन से निकलती हैं वो एक सहारनपुर के लिए, एक ओल्ड डेली न्यू डेली के लिए निकलती है गाइस, और दूसरी जो लाइन निकलती है वो वैष्णो देवी अमृतसर के लिए निकलती है, लुधियाना सेक्शन के लिए निकलती है। एंड इसके स्टेशन के आउटर पैर टाइम पे खड़ी है अमलडोरा न्यू डेली वंदे भारत एक्सप्रेस गाइड 22448 हमारा वेट कर रही है। जब हम निकलेंगे तो वो हमारे पीछे पीछे आएगी। यहाँ पे भी लोगों की चहल पहल है पूरी। सो अभी हमने ले लिया है डिपार्चर अम्बाला कैंट जंक्शन से। ओ जींद वाले लेने के जींद वाली नरवाना वाली कैथल नरवाना जींद वाली लाइन वहां से आ रही कैथल वाली पूरी क्षेत्र पहुंच गया रुकने लगी शायद मेरे को लग रहा था अम्बंदोरा वाली से ओवरटेक ना खा लेंगे। सो गाइस अभी हम लोग स्किप करेंगे कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन को, जो कि बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन बनाया गया है। आप ट्रैक देख लीजिए, स्टेशन देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है। और स्टेशन को देख के एक ही पॉइंट, एक ही चीज़ दो है वो आ रही है कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। जो ट्रैक पे जो जिस तरह से सजाया गया ट्रैक को, क्या तो नहीं गाड़ी अपनी जींद एक्सप्रेस जींद कुरुक्षेत्र सॉरी हाँ जलियांवाला आ गई शायद LHB है वो आया इधर आ रही है आया असली रेडी आए इधर कर दे ऐसा फोन बीच मार रहा है थोड़ा। स्टेशन से निकलते ही हमें मिली क्रॉसिंग शियालदा अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस गाइस, जिसको लीड कर रहा है वेब 7 आगे जलियांवाला बाग एक्सप्रेस जो भी रिसेंटली ही LHB हुई है एक्सीलेंट अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। एंड गाइस अभी एंजॉय कीजिए WG4 SHF के साथ आती हुई 1507 दिल्ली फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस गाइस। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, अराइव हो चुके हैं दिल्ली जंक्शन ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर, और यहीं तक हमारा सफ़र था। एंड यहाँ तक हमें जर्नी करके बहुत अच्छा लगा। और सामने देखेंगे तो दिल्ली पर दिल्ली पठानकोट का जो खाली रैक है वो खड़ा है। जर्नी बहुत ही शानदार थी, बहुत मज़ा आया इसमें जर्नी करने का। नेक्स्ट टाइम भी करेंगे अगर कोई न्यू बंदे भाग चलती है हमारे सेक्शन के ऊपर, अमृतसर सेक्शन के ऊपर या बठिंडा सेक्शन के ऊपर। एंड आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। सो गाइस ये है दिल्ली जंक्शन, यहाँ पर हमने 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगा दिया गया है हमारी वंदे भारत को, और हम यहाँ से डीबोर्ड हो चुके हैं। एंड बहुत ही शानदार जर्नी थी। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपने अमृतसर के दिल्ली या दिल्ली से अमृतसर के अंदर ट्रैवल करना है तो आप वंदे भारत में ही बुकिंग कराइए। बट आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो इसमें 8 कार्स होने के उसके अंदर इसमें सिर्फ 8 कार्स ही हैं, तो इसमें जो वेटिंग है वो बहुत ज़्यादा ही आएगी। तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द हमें दिल्ली अमृतसर रिवर्स वंदे भारत मिल सकती है। बाकी अभी देखूँ कि क्या बनता है। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ जर्नी में बने रहने के लिए। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू YouTube चैनल राजपुरा। थैंक यू गाइज़।